आर्मी में जाना हर मिडिल क्लास बच्चे का एक सपना होता है जब वो 13-14 साल का होता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, उसकी स्किल्स बढ़ती है, उसे पता चलता है कि इस दिन दुनिया में ऐसी बहुत सारी फील्ड है जहां वो नौकरी कर सकता है, तो बच्चे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इसमें से कुछ बच्चे एक्चुअल आर्मी में चले जाते हैं, कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, कुछ के घरवाले उनकी शादी करवा देते हैं, और जो कुछ नहीं कर सकते वो बनाते हैं इंडियन आर्मी पर वीडियोस और ड्यूटी के नाम पे अपने गाँव के प्रधान के खेत में पहरा देते हैं। हाँ जी, तो स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी शॉर्ट आर्मी के बारे में जो मात्र 30 सेकंड में हमें प्यार, इश्क, मोहब्बत, विनम्रता, मानवता और अनुशासन का पाठ पढ़ाने के साथ साथ ट्राइपॉड बाजी, ईंट बाजी, पत्थरबाजी, बंदूकबाजी, रणबाजी के साथ साथ में बम बाजी, इतना सब कुछ ये सिर्फ 30 सेकंड में दिखा देते हैं। सर, सर हेल्प, हेल्प सर, हेल्प। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता है कितना खतरा है, जाओ अब यहाँ से। सर मैं मेरे गांव जा रहा था, बीच में रास्ता भटक गया, सर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। अबे लौड़े, हम यहाँ गूगल मैप बने बैठे जो तुझे अपने गांव का रास्ता बताएंगे? इस गांव का तू है कि हम? हमें कैसे पता तेरे गांव का रास्ता कौन सा है? ये तो इनको एक्चुअल में बोलना था, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, इसके साथ चल देते। ठीक है चलो, अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। भैया भैया, तू आज भी चला आया? तुझे कितने बार कहूं यहाँ पर बहुत खतरा है, तू क्यों बार बार चला आता है यहाँ पर? भैया आपको तो पता ही है मुझे आर्मी के साथ कितना लगाव है, और मैं अपना पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आर्मी में ही आऊंगा। ठीक है, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तू तो मेरी बात नहीं सुनेगा। एक काम कर, एक गन रख, ये तुझे मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? अरे क्यों नाश करने पे तुले हुए हो मेरी पढ़ाई को? हला अभी तक रिसिप्ट में से पी साइलेंट करके रिसीट बोलना नहीं सीखा मैं? तुम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे 12-13 वर्ड के सेंटेंस को सिर्फ 4-5 वर्ड में निपटा रहे हो। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ। अरे ये तो भैया का चीख है ना? और भाई तो बहन जो अलग ही नशे में है, उसको बंदूक की गोलियों की आवाज सुनाई नहीं दी, सिर्फ भाई के चीखों की आवाज सुनाई दी। भैया चलो मैं आपको मेडिकल ले चलता हूँ। हाँ ले जा भाई ले जा, तू इसको मेडिकल लेके चला जा, और वहाँ जाकर पैरासिटामोल दिला देना, क्योंकि जिसकी चूच में 2 गोलियां लगी है उसके बाद भी वो मर नहीं रहा है तो पैरासिटामोल से ठीक हो जाएगा। वैसे भी हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं है, मेडिकल ही ले जा। वो देखो सर, कितनी ठंड में भी ड्यूटी कर रहे हैं। सर ये दवाई खा लो, आपको बुखार आ रहा है ना? यार 10 दिन हो गए हैं बेस कैंप से खाना भी नहीं आया है, अब तो भूख भी बहुत तेज लग रही है। दोस्तों एक बुरी खबर है, कम से कम 20 दिन खाना और नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जंग ज्यादा छिड़ गई है तो 20 दिन हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। फौजी को हर परिस्थिति में लड़ना आना चाहिए, और तुम 20 दिन भूखा नहीं रह सकते? अबे चुप, भाषण इनसे 2-2 पैराग्राफ का दिलवा लो, लेकिन सेंस को तो बिल्कुल जमीन में गाड़ दिया है। होठों पर लाली, लिपस्टिक, मेकअप पाउडर, हाथों में नेल पॉलिश, सब कुछ लगाने के बाद भी एक्टिंग जीरो, सेंस बिल्कुल जीरो, कॉमन सेंस जीरो, कुछ भी करके बस आर्मी वालों को उंगली करना है। उन्हें तो दारू नहीं मिलता, उन्हें तो पानी नहीं मिलता, उन्हें तो खाना नहीं मिलता, उनको छुट्टी नहीं मिलती, उनको तो ये नहीं मिलता, उनको नहीं मिलती। चाहे हमें पत्ते खाने पड़े या घास, हमें ये जंग जीतनी पड़ेगी। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। नहीं लिखूंगा, बिल्कुल नहीं लिखूंगा, साले साइड वाले ने तो पत्ते खाए नहीं। चल भाई यही लगा देते हैं, चल अब बम लगा दिया, अब सब मरेंगे, आज देखते हैं छुपके। अबे इससे ज्यादा तो लोग पटरियों पर हफ्ते टाइम अपने आसपास देख लेते हैं, लेकिन इन गमछा चोरों ने एक बार भी अपने आगे पीछे नहीं देखा। और भाई ये कैसे आतंकवादी बना रखे हैं जो आर्मी वालों के काम को बहुत ज्यादा आसान बना रहे हैं? खुले में अपना स्कूल बैग छोड़ के जा रहे हैं जिसमें बम रखा हुआ है। अरे ये तो बम के टाइमर की आवाज है। अरे इसमें तो बम है, मुझे इसे लेके कहीं दूर जाना होगा। अबे आंखों में साक्षात बम डिटेक्टर मशीन फिट है क्या? बिना देखे ही बता दिया कि बैग में बम है। और उसके बाद ये वाले अंकल इस बैग को उठा के भागते हुए एक दीवार के पास में जाके खड़े हो जाते हैं और उड़ जाते हैं। अबे बम की रेडियस इतनी ही ज्यादा कम थी तो वही पटरियों के आसपास उछाल देता, उसके लिए इतना भागा क्यों? अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा। अरे क्या हो गया अंकल, आतंकवादी ने हाथ बांध ली गया? और ऐसे आदमी को तो मार ही दे भाई, मार दे, जिसके हाथ कुछ इस तरह से बंधे हुए हो और उसके बाद भी वो छूटने के लिए बिल्कुल भी एफर्ट नहीं मार रहा हो, वो जिंदा रहकर कुछ खास करेगा नहीं। और ये आतंकवादी किस टाइप का है भाई, इतना कंफर्ट क्यों देख रहा है इसका? एक कंफर्ट जोन में आ जाएगा साला, बिल्कुल भी ट्राई नहीं करेगा छूटने के लिए। चलो आज एक और कारीगर मर गया, अब वो दिन दूर नहीं कि हम यूट्यूब के वीडियो देख देख करके अपने घर की चिनाई करेंगे। ले 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 ले, कैसी अपमान जनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोना। बुआ बुआ, पापा कब तक ठीक होंगे? बाबू डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। क्या जवाब दे दिया है डॉक्टर ने?
तुम्हारे पापा कभी ठीक नहीं होंगे। पापा अब जरूर ठीक होंगे, पर मेरे पापा का यादाश्त कभी नहीं आएगा। बेटा तुम्हारे पापा का तो यादाश्त वापस लाना मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। जो खुद बीडी का पेशेंट हो वो जाकर के दूसरे पेशेंट को ठीक करने की बात कर रहा है। फौजी उठ, हिम्मत है तो अपना तिरंगा बचा, उठ बुझ दिल है तू, डरपोक है, कायर है तू, उठ उठ फौजी उठ। सोल्जर अनुरोध। जय हिंद सर। जय हिंद। सेंस देख रहे हो ना तुम, अगर डॉक्टर है तो उसकी जेब में टेबलेट मिलेगी और आर्मी वाला तो उसकी जेब में गन मिलेगी। नहीं नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर तुम्हारी याददाश्त चली जाए उसके बाद भी तुम्हारे पास बंदूक कैसे आ गई। ना 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 ना, उतना दिमाग नहीं है हमारे पास, उतना नहीं लगाएंगे हम। और ये किस एंगल से आर्मी वाला लग रहा है भाई, चौधरी ढाबे पे वेटर है ये। छोटे यहाँ मत आ तू। भैया बंदूक को ताने पड़े हो। अच्छा तो आजकल आर्मी में 4-5 साल के बच्चे भी जा रहे हैं। नहीं, मेन प्रॉब्लम इनके घर वालों की है। साले मेले में से 30-40 रुपए की बंदूक दिला देते हैं और बोलते हैं कि जाओ आज से तुम आर्मी में जाओ, ड्यूटी करो, खेत में जाके गाय भगाओ, जाओ। अरे ये पागल बॉर्डर पे क्या कर रहा है? ये पागल यहाँ क्या कर रहा है यहाँ? नहीं 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 नहीं, ये वाले कपड़े वर्दी में गिनती नहीं आते, पहले जाके कैमोफ्लेज पैटर्न की वर्दी पहन के आओ, जाओ उसके बाद तुमसे बात करेंगे। जाओ जाओ जाओ, हटो हटो हटो, चलो चलो। अगर हमें कोई प्रॉब्लम होगा हम तुम्हें आवाज देंगे। ठीक है सर। फौजी आप तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे, आप इस जादू छड़ी से मैं अपना रूप बदल कर आप तुम दोनों को मार डालेंगे। यह है असली शॉर्ट क्रिएटर, हर वीडियोस में एक एक थप्पड़ खा खा के इसका एक गाल खत्म हो गया है, बिल्कुल खत्म हो गया है। अपना रूप बदल कर आप तुम दोनों को मार डालेंगे। कहीं ये सीरियल वाली आर्मी तो नहीं है? तांत्रिक आत्मा आ रही है, आर्मी वाले भी आ रहे हैं, सब लोग आ गए हैं, अभी आकर के यहाँ सास बहू कर दो साड़ो। अरे अजय तुम, तूने मुझे आज तो डरा ही दिया यार। अजय तुम तो उस साइड गए थे ना, इधर कहाँ से आ गए? सर उधर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ठीक है सोल्जर, अपनी पोजीशन संभाल लो। हाँ सोल्जर, जाके अपनी पोजीशन संभाल लो। ये बैग फेंक के क्यों गया वापस? इसमें तो पैसे थे नहीं, ये पैसे क्यों रखे इसने? पुलिस को इन्फॉर्म करती हूँ। अरे यार अच्छे लोग थे जो बम की जगह पैसे डाल के गए हैं बैग में। म्याँ म्याँ। अब इन लोगों को भी गिरफ्तार करवा के जेल में मत डाल देना, नहीं तो देश में से अच्छा ही खत्म हो जाएगी। हाँ जी सर। सर यही था। अंदर चल। है भाई मैडम का बैग छीना और उसमें पैसे डाल के भाग गए, क्या चल रहा दिमाग में? क्यों रखे थे वो पैसे? इंस्पेक्टर साहब मैंने मैडम का बैग इसलिए चोरी करा था। माँ आप चिंता मत करो, मैं आपको ऑपरेशन करा दूंगी, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। वाह आयरन देख रहे हो तुम, एक बेरोजगार आदमी जबरदस्ती एक जॉब वाले को पैसा दे रहा है, वो भी 2-3 हजार रूपए। नहीं मुझे नहीं चाहिए पैसे, ये लो। अरे नहीं मैडम, आप दिन रात बॉर्डर पर खड़े होके हम लोगों की रक्षा करते हो, तो मैं आपकी क्या इतनी सी मदद नहीं कर सकता? अब तो देश की जनता बिल्कुल रो रो के कमेंट में बोल के जाएगी जय हिंद, हमारे देश की आर्मी बहुत प्राउड फील कर दिया ये वो। अबे सालो चूतिया बन रहा है तुम्हारा और तुम बना भी रहे हो अपने आप, क्या सेंस है इसमें? क्या सेंस है इसमें मुझे भी कमेंट में बता दो, मुझे मुझे क्या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या सेंस है इसमें बताओ, मेरे को बता दो क्या सेंस है इसमें। पापा लो खाना। अरे बेटे खाना लाए, पानी नहीं लाए। अबे तू फिर आ गया, तेरे को बोला है ना कि पहले जाके कैमोफ्लेज पैटर्न का कपड़ा लेकर के आओ, उसके बाद ही तेरा वीडियो दिखाऊंगा मैं। ओ पानी लाया तो भूल गया। और भाई ये क्या लगा रखा है, कहीं भी देश का झंडा टांग दिया, इंडियन आर्मी वाली वर्दी पहन के घूम रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, सब्सक्राइबर्स कमेंट करवा रहे हैं, रिस्पेक्ट फॉर आर्मी। अबे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो तुम खुद ही, सालों बंद कर दो ये सब कुछ। और तुम्हारे वीडियो पे लाइक कमेंट करने से मोदी जी को ये पता नहीं चल रहा है कि देश में कितने लोग देश की इज्जत करते हैं और कितने नहीं करते हैं, तो प्लीज बंद कर दो। और इतना सब कुछ देखने के बाद तुम लोग सोच रहे होंगे कि तो बिल्कुल टट्टी है, इसकी तो कोई कॉपी कर ही नहीं सकता है, तो तुम लोग बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि पाकिस्तान पाकिस्तान तो बिल्कुल हमारी कॉपी करेगा ही, तो उसने कर ली। कैसे कैसे नमूने यार आर्मी ने भर्ती कर ली है। तू सबसे पहले तो मोबाइल नीचे रख के बात कर, तब तेरे से बात करूंगा मैं। मोटे गेंडे को 3 गोलियां चलने के बाद भी ये पता नहीं चला कि पीछे मुड़ना है, कभी दाएं मुड़ रहा है कभी बाएं मुड़ रहा है। ये तुम्हारे पास तो बंदूक भी नहीं साड़ो, तुम लोग क्या दिखा रहे हो? साले पाकिस्तान वाले कॉपी करने में भी अपनी एक स्किल नहीं जोड़ेंगे, यहाँ हम लोगों ने 20-30 रुपए की बंदूक तो दिखाई, इन लोगों ने वो भी नहीं दिखाई, हाथों से बंदूक पतंगे उड़ाई जा रही है। तो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, आज के वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो देख के मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को अपने दोस्तों को यारों को शेयर करो,
और चैनल सब्सक्राइब करवाओ, जल्दी आगे बढ़ाओ, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। और हाँ, आर्मी वालों की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता मैं, कमेंट में गालियां मत देना मुझे।